ठाकुर रानी बोली है स्वामी हमसे पूछो मेरे दिल से पूछो रात दिन नींद नहीं आता है। और सच है मेरे श्रोता बंधुओं अगर देखा जाए तो चार लोगों को नींद नहीं आती है। किनको किनको नहीं आती छपरी से टपकता पानी हो जिनके घर में सर्पों की भाड़ हो तो पैर फैला कर सो पाए नहीं। भादों का महीना हो पानी की बरसात हो रही हो छपर टपकता हो सो नहीं सो पाएंगे। और जिनके घर सर्प बसेरा हो और जिनके सीसन करदा हो जिनके घर सुपा तैयार हो आज बोले हैं महाराज अपने घर में बिटरिया जो है कुंवारी है सयानी हो जा चुकी है। अब महाराज जो हमें नींद नहीं आती ताजे सो करो कहीं पे बिटिया के लिए लला तलाश कर लो। राजा भीष्मक बोले बाओ अरे तुमने तो मेरे मन की बात भी छीन लिया। मैं भी यही सोच रहा था कि मेरी बिटिया कुंवारी है अब विवाह की योग हो गई। आज राजा वहां से चला। राजा के बड़े बेटे का नाम था रुकुमसेन। रुकुमसेन को बुलवाया। रुकुमसेन आया बोला पिताजी को नमस्ते का उत्तर देने के बाद में बोला पिताजी तुमने हमें क्यों बुलवा लिया। राजा भीष्मक बोले हे बेटा अगर बाप का जूता बेटे के पैर में सही आ जाए तब तो बाप और बेटे का रिश्ता नहीं होता है बल्कि ससुर और दामाद का रिश्ता हो जाता है। पंच पे नौटंकी मत करो मंच है नौटंकी की मंच मत समझो। आज बोले हैं तासे काम करो अब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि तुम्हारी बहन जो है रुकमणी हां हां आरे तब कहा लगो तो सत पाती की बेटा साथी और ढूंढियों कोई अच्छी सिगाती चनकाती चनकाती और करती दोनों कुंड की बेटा साथी आज राजा भीष्मक बोलो बेटा तुम्हारी बहन रुकमणी जो है वो शादी की योग्य हो चुकी है और ऐसा करो तुम अपनी बहन रुकमणी का विवाह कर दो कहीं पे सुंदर लड़का ढूंढ कर करके। जब इतने सुने हैं भीष्म रुकमसेन ने तो एकदम से दादी को पीस करके बोला पिताजी नहीं मेरी बहन रुकमणी भी सुंदरी है उस संसार में किसी की ताकत नहीं रो मेरी बहन के तेज को संभाल सके। एकदम से राजा भीष्मक बोला पागल अरे इसका मतलब है तेरी बहन रुकमणी भी सुंदरी है तो क्या कुंवारी रहेगी। अरे भगवान ने हमें लड़की दिया है तो कहीं हमारे लिए दामाद भी भेजा होगा। एकदम से तोलो रुकमसेन बोलो पिताजी हमने तो रुकमणी के लिए पहले से दूल्हा तलाश कर रखो तूने पहले से तलाश कर रखो बोलो हाँ का कौन है कैसा है और कौन से खानदान का है। अब देखिए रुकमसेन की ससुराल चंदेरी में रुकमसेन के साले का नाम है सुसपाल। क्या बोला सुसपाल रुकमसेन और सुन बाबुल के पैर रुकुम समझावे
आज एकदम से बोला है पिताजी, चंदेरी का जो राजा शिशुपाल है हमारा सगा साला है, ऐसा करो मेरी बहन रुकमणी का विवाह हमारे साले के साथ में कर दो, बहुत अच्छा खानदान का। अरे हराम जादे, तेरे क्या आँख में सुगर का बाल है? मतलब राजा भीष्मक बोला सगा तेरा साला है और उसने अपनी बहन का विवाह तेरे साथ में कर दिया और तू अपनी बहन का विवाह उसके साथ में कर देगा, ये तो उल्टा हो जाएगा। रुकमसेन बोला पिताजी तुम बुढ़ाई के तुम्हें तमीज ना आए, जब उसने अपने बहन का विवाह हमारे साथ कर दिया तो हम अगर उसके साथ में अपनी बहन का विवाह कर देंगे तो कौन पहाड़ टूट पड़ेगा। लेकिन याद रखना, अरे उनके जियरे को समझात जिनकी चढ़ी लगो न फिर गाय, उनके जियरे को समझात सेदप चढ़ा नारी मरिया, तू समझाए बोले सो बेटा एक सुमा, याद रखना आज राजा भीष्मक बोलो बार बार परमात्मा, अरे तूने जहां पे मेरे एक पुत्र दिया था ऐसा पांच पुत्र दिए तो इसका थोड़ा गल भी दे दिया होता। एकदम से राजा भीष्मक ने तड़ाक से तमाचा मार दिया और कहा पागल जे तुझे नहीं पता है जिस समय रुकमणी का जन्म हुआ था तब ब्रह्मा जी के पुत्र देवल नारद ऋषि इसका नामकरण करने आए थे तो उन्होंने इसके बाद शादी के बारे में जान तो किसका दूल्हा बताया किसका, तो बोले सुन मुनि नारद योग मिलावो हे पर श्री कृष्ण बतलावो हे, मुनि नारद योग मिलावो हे पर श्री कृष्ण बतलावो हे, राजा भीष्मक बोलो अरे पागल जिस समय बिटिया को जन्म हुआ था तो नारद ऋषि आए थे, उन्होंने कहा था कि तुम्हारी बिटिया का विवाह होगा तो बेश्याम सुंदर कन्हैया के साथ में होगा। इतने शब्दों को सुना है रुकमसेन तो मानो बाकी पैर तले से धरती फिसल गई और बोला खामोश एक बात बता दे पिताजी, ये शादी रुकमणी की शादी अगर रुकमसेन के साथ में भाई समोद तो करेंगे। आज बोला है रुकमसेन बात मेरी सुन लो, मेरे सामने पोपा बोले जब चाले नहीं चल पाएंगी अगर जे शादी पक्की होगी तो तलवार चलता है।
अगर रुकमणी का पीपा उस कन्हैया के साथ में हुआ ना तो याद पे तलवारें चल जाएगी, लहसु के अंबार लगा दूंगा, खून की नदियां बह जाएंगी। याद रखना होगी तो तलवार चल जाएगी। आज जो है भीष्म से बोला है भीष्म पिताजी, अगर ये शादी पक्की हो गई ना तो यहाँ पे तलवारें चल जाएंगी, लहसुन के अंबार लगा दूंगा, खून की नदियां बह जाएंगी। मेरे भैया आज राजा चुपचाप बैठेगा, यहाँ से रुकम सेन चला रुकमणी के पास में, रुकमणी हो भैया मैं तुम्हारा विवाह अपने